नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। भाई एक बंदे ने मुझे एक वीडियो भेजा था, मैं आप लोगों के साथ इसकी शेयर भी करूंगा और इनके मुंह से सुन लेना कि स्थिति क्या है। ये तो चलो दुबई का वीडियो है, बाकी मुझे एक बात समझ में नहीं है यार। जब इंडिया में लॉकडाउन चल रहा था, लोग पैदल चल रहे थे, लोग मर रहे थे, मतलब भूख मर रहे थे वगैरह वगैरह, तो गवर्नमेंट उनको खाना, लोग इधर उधर से मतलब ठीक ठाक था, ऐसी कोई नहीं थी कि लोग भूखे मरे। कुछ अलग बात है कि थोड़ा बहुत तो भाई ऐसा तो होता है देखो इस माहौल में, लेकिन जो विदेश में लोग बैठे हैं जिनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, वो क्या करते हैं, क्या खाते हैं भाई, सोचने की बात है। अगर इंडियन गवर्नमेंट ये सोचती है, राज्य सरकार ये सोचती है कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है, हाई कोर्ट ने भी बोला है कि जो इंडिया के मजदूर हैं वो सरकार की जिम्मेदारी हैं, तो भाई जो विदेश में बैठे हैं वो कौन सी कंट्री के लोग हैं फिर? इंडिया के लोग जो विदेशों में फंसे हैं, जो भूख मर रहे हैं, जो बीमारी से मर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार को उनकी जिम्मेदारी, सरकार के पास दो ऑप्शन हैं, या तो इंडिया उनको लाए, ठीक है इंडिया अपने स्तर पे, गवर्नमेंट अपने स्तर पे धीरे धीरे उनको निकाल रही है, लेकिन वो सही नहीं है। यानी अब मरे उसको सुबह नहीं आ सकती, जिनको अभी मरना है वो सुबह तक वेट नहीं कर सकता। कहने का मतलब ये है कि जो लोग वहाँ भूख से मर रहे हैं, बीमारी से मर रहे हैं, वो गवर्नमेंट का कब तक वेट करें? एक महीने से वंदे भारत 1, 2, 3, अब मुझे तो नहीं लगता कुछ उखड़ पाया है गवर्नमेंट से। कितने एक बंदे पहुँचे हैं? बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि पैसे वाले आ रहे हैं। पहले तो थी शिकायत चेन्नई वाले लोग जा रहे हैं, केरला वाले वो उधर जा रहे हैं, अब लोग ये भी बोलते हैं कि लोग पैसे वाले जा रहे हैं। और ये मुझे कहीं ना कहीं यार ये लगता नहीं है कोई सेटिंग वेटिंग तो क्या होगी भाई, पैसे वाले की सेटिंग हो सकती है क्या एम्बेसी में? आप लोग बताना मुझे कमेंट करके कि ये सच्चाई है क्या। अब लोग एम्बेसी के कितने चक्कर काटे, जिसके पास खाने को पैसा नहीं वो दुबई में टैक्सी करके पहुँच जाएगा वहाँ पर, आने जाने का टैक्सी का 20-30-50 दराम खर्चा होता होगा। 50 दराम का भाई कितना बनता, 1000 इंडियन रुपीज़ कहाँ से लाएगा? अफसोस होता है यार मुझे। अब लोग वीडियो भेजते हैं, ये भाई वीडियो भेज रहा है मुझे, इसको भी भाई सुन लीजिए, बिहार का बंदा है, हेल्प कर दीजिए अगर कोई हेल्प कर, अगर आसपास में हो और बिहार वाले देख रहे हैं तो देख लीजिए भाई थोड़ा सा, अगर आप हेल्प कर पाओ तो। नंबर भी मैं शेयर कर दूंगा, व्हाट्सअप नंबर। क्या करें यार बताएं, मैं तो खुद दुखी हूँ भाई वीडियो देख देख के। आप तो वहाँ दुखी हो और मैं आपके वीडियो देख देख के दुखी होता हूँ, क्या कर सकते हैं? इंडियन गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि ठीक है आप उनको नहीं निकाल रहे तो एम्बेसी के थ्रू उनको खाना खिलाओ ना फिर, विदेश में जो बैठे हैं। इंडिया में भी तो आप लॉकडाउन में दौरान मजदूरों को खाना खिला रहे थे, आपने बोला हमने इतने करोड़ खर्च कर दिए मजदूरों पे, इतने का खाना खिला दिया। विदेश में भी तो आपके ही मजदूर बैठे हैं, उनको भी तो आपकी जिम्मेदारी होती है ना कि उनको खाना खिलाया जाए, उनको रेंट दो आप फिर ऐसा कुछ लेकिन क्या बातें हैं भाई, ये तो हवा की बातें हैं, इनमें कोई दम नहीं है। अब क्या कर सकते हैं, वीडियो देखना भाई का, अब लाइक शेयर करें आगे से आगे ताकि ये बात आगे तक पहुंचे। बिहार का है बंदा, नंबर भी कॉन्टेक्ट है, अगर कोई भाई हेल्प कर सके तो भाई कर दीजिए। अब क्या करें भाई, आज की वीडियो में बस साथियों अभी कुछ नहीं बोलना मुझे। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल्ला खान शारजा दुबई से बात कर रहा हूँ। और मैं सर, मैं 2 महीने से यहाँ पैर फंसा हुआ, बहुत हालात मेरी ख़राब है, मुझे खाने के पैसे नहीं है, रूम के पैसे नहीं है, मैं इधर उधर कैसे भी किसी के रूम पे एडजस्ट कर रहा हूँ 1-2 दिन। और मैं 3 मई को रजिस्ट्रेशन भी कराया था लेकिन अभी कोई रिप्लाई नहीं है। मैं शारजा जो इंडियन एम्बेसी है वहाँ भी गया था, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। मैं टोल फ्री नंबर है उस पर भी मैं कॉल कर रहा हूँ, कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा है। और दूसरी चीज़ की मैं ईमेल भी कर रहा हूँ दुबई कॉन्सुलेट को, वहाँ से भी कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ, मेरे पास पैसे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ ट्रैवलिंग चार्ज बहुत ज़्यादा है, मेरे पास खाने के पैसे नहीं, मैं इधर उधर जाऊँ कैसे? तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सर आप मेरी हेल्प करें ताकि मैं जल्द से जल्द मैं इंडिया चला हूँ। मैं बिहार सिवान डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ और मुझे बहुत दिक्कत हो रहा है यहाँ पर, मैं कैसे रह रहा हूँ मुझे ही पता है, ठीक है? मैं बिजली बिजा पर आया है, गवर्नमेंट हम जैसे लोगों को कोई हेल्प कर रही, कोई नहीं कर रही। जितने भी लोग जा रहे हैं बिजनेस क्लास के, जो हाई फाई क्लास के लोग हैं उनकी फ्लाइट हो रही है, जा रहे हैं, आखिर हम लोग इंडिया के नहीं है, हम लोग कब जाएंगे यहाँ से? हमें परेशानी नहीं होती है, हम लोग एफर्ट कैसे कर रहे हैं हमको पता है, यहाँ पर कैसे मैं रह रहा हूँ यहाँ पर। मैं आज बहुत परेशान हूँ, मैं आपसे हेल्प कर, आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सर आप मेरी हेल्प करें ताकि मैं बहुत इंडिया चला जाऊँ। मैं बहुत डिप्रेशन हूँ, मैं बहुत डिस्टर्ब हो चुका है यहाँ पर 2 महीने से।